क्लास स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोड्यूसिंग जावा जीयूआई, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड सेशन नंबर 6 जावा जीयूआई एप्लीकेशन पार्ट 4। ऑलराइट, हम लोगों ने 3 पार्ट्स में देखा कि कैसे करके कंट्रोल्स को यूज करते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज करके कैसे हम लोग फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि फॉर्म कैसे रिसाइज किया जाता है। ऑलराइट, देन वी हैव लर्न अबाउट हाउ टू रन द प्रोग्राम एंड हाउ टू सी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ऑलराइट, कैसे करके हम लोग सोर्स कोड एडिट कर सकते हैं, तो ये सब हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा। ओके, तो इस सेशन में क्या हम लोग नया देखेंगे, इस सेशन में भी मैं आपको एक एप्लीकेशन डिजाइन करके दिखाऊंगी। ऑलराइट, और उसका इसमें हम लोग पासवर्ड देखेंगे कि कैसे करके पासवर्ड फील्ड का यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाउ सी, नेटबीन्स मैंने ओपन किया। नाउ यहाँ पे मैं एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। ऑलराइट, हम चाहें तो दूसरा और न्यू प्रोजेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम, जैसे सपोज मैं दे रही हूँ प्रैक्टिस, ये ऑलरेडी ओपन एग्जिस्ट है, तो फिर प्रैक्टिस 1 दूंगी एंड फिनिश। ओके, न्यू प्रोजेक्ट आ गया। अब इसमें हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, न्यू जे फ्रेम फॉर्म, एंड यहाँ पे सपोज जस्ट मैंने एक नाम दे दिया पास 1। ओके, फिनिश, ये हम लोगों का फॉर्म दिख रहा है। नाउ इसको हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, जैसे दिखाया था मैंने आपको। ऑलराइट, अब इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीजें रखेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड एंड सबमिट। ओके, तो हम लोग क्या यूज करेंगे पहले, यस लेबल, राइट। लेबल यहां पर मैं नाम दे रही हूं, यूजर नेम। ओके, लेबल की प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, यहां से ड्रैग ना करके लेबल को इंसर्ट करेंगे। जैसे ये लेबल जो है, ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जस्ट इसको कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, यहां पे देखिए ये जो लेबल 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेबल 2 है इसको नीचे लाएंगे और लेबल 1 को ऊपर में रखेंगे, ताकि हम लोगों को सोर्स कोड करने में आसानी हो। राइट, अब इसमें हम लोग नाम चेंज करेंगे पासवर्ड। ऑलराइट, देन टेक्स्ट फील्ड। ओके, यूजर नेम के लिए मैं टेक्स्ट फील्ड का यूज कर रही हूं। ऑलराइट, टेक्स्ट फील्ड में भी हम लोग यहाँ पे फॉन्ट सेट करके रख सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन एंड ये जो टेक्स्ट है इसका हम लोग टेक्स्ट ब्लैंक करके रखेंगे। ऑलराइट, और सेम यहाँ पे पासवर्ड के लिए हम लोग पासवर्ड फील्ड का यूज करेंगे। ऑलराइट,
तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये जो राउंड फील्ड सर्कल्स है ये है ओके। अब ये जो पासवर्ड है उसमें देखिए प्रॉपर्टीज में यहाँ पे भी हम लोग टेक्स्ट को ब्लैंक करेंगे राइट। और यहाँ पे इको कैर बोल के होता है राइट। यहाँ पे जैसे वो फील्ड सर्कल था यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं कोई भी कैरेक्टर ओके। जैसे अगर मैंने यहाँ पे हैश दिया ओके तो यहाँ पे हैश आएगा जब भी पासवर्ड हम लोग पासवर्ड जब हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे हैश आएगा राइट। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया राइट। अब यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का हम लोग थोड़ा लुक चेंज करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर चेंज करेंगे इसका सेम यहाँ पे बॉर्डर है एक बॉर्डर देख के देखते हैं राइट। इसका भी बॉर्डर हम लोग चेंज करेंगे ओके। इसमें भी बॉर्डर्स चेंज करेंगे और सपोज लाइन बॉर्डर दे दिया मैंने ऐसे करके अपने मतलब चॉइस के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं राइट ओके। फिर इसको भी बॉर्डर राइट। अब यहां पे हम लोग बटन क्रिएट करेंगे ओके। एंड बटन पे इसका भी बॉर्डर हम लोग चेंज करते हैं ओके। अलग अलग बॉर्डर में रैंडमली ले रही हूं ताकि हम लोगों को समझ में आए डिजाइन्स। एंड यहां पे जो टेक्स्ट है वो हम लोग करेंगे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने सबमिट लिखा है ऑलराइट। यहाँ पे हम लोग चेंज भी कर सकते हैं फॉन्ट का रेड कलर देन दिस वन सपोज ओके। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया राइट। तो ये हम लोगों का फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जब सेव करेंगे तब आउटसाइड द फॉर्म हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे देन गो टू फाइल टैब एंड क्लिक ऑन सेव राइट। तो जस्ट मैं ये फॉर्म आपको रन करके दिखा रही हूँ इसका डिजाइन कैसे आता है। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने बहुत कुछ सोर्स कोड नहीं किया इसलिए भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो मैं सबमिट मेन जो हम लोगों का इवेंट है उस पर क्लिक करूंगी ओके। और यहाँ पे हम लोगों को इसका कोड टाइप करना है ऑलराइट। आएगा जे टेक्स्ट एरिया, जे टेक्स्ट एरिया वन ओके डॉट अपेंड देन यूजर नेम देन जे
text field 1 dot get text, okay, plus यहाँ पे slash n का use कर रहे हैं. So what is the use of slash n? Slash n क्या करता है, जो output होता है उसको next line में लेके जाता है. All right? और यहाँ पे हम लोगों ने append किया है, ये आपको output जब आएगा तब समझ में आएगा मैंने ये क्यों use किया. Then I am just copying this one. ओके और यहाँ पे हम लोगों को जस्ट चेंज करना है पासवर्ड, एंड यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग पासवर्ड फील्ड. ऑलराइट, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ये गेट टेक्स्ट कट हो जाएगा. देन फाइल एंड सेव. अब हम लोग इसे रन करेंगे. पहले ये रन नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे जो पासवर्ड फील्ड में हम लोग इको कैर देके रखे थे वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था. तो जो ये इको कैर है ये हम लोगों को डिफॉल्ट ही रखना है. ऑलराइट, तो फिर ये रन हो जाएगा. सो विल रन दिस वन शिफ्ट F6. सी रन होने के बाद में ये आ गया. अब यूजर नेम हम लोग करेंगे, सपोज आस मैंने दे दिया और मैंने पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4. अब यहाँ पे जब मैंने पासवर्ड दिया है यहाँ पे देखिए पासवर्ड स्टार में आ गया. राइट, यहाँ पे कुछ भी कैरेक्टर्स नहीं आए. और जब हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिखा देगा. ऑलराइट, so what did we learn today? We have learned about password field. Okay, how to insert password field और password field के क्या क्या properties होती है हम लोगों ने देखी कि कैसे करके हम लोग जो echo char use कर सकते हैं. okay, हम लोगों ने आज border भी property देखी, sub text field और label के लिए button के लिए हम लोग borders change करके देखा. okay, so keep practicing. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप NetBeans का अच्छे से यूज कर पाएंगे और अच्छे अच्छे एप्लीकेशन क्रिएट कर पाएंगे. ऑलराइट, थैंक यू.